अध्याय 2 पार्ट 2। अगर हम इस कथन को लें कि वे रोते नहीं, तो आप देखोगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है, तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर कहकर चुप करते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो। लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, वे ये विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी, तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोना का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए, तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे। वे कोमल एवं मृदु स्वभाव की है, वे बहुत ही सुशील है। ऐसे कथनों को लेकर उन पर चर्चाएं कीजिए कि ये कैसे केवल लड़कियों पर लागू किए जाते हैं। क्या लड़कियों में ये गुण जन्म से ही होते हैं, या वे ऐसा व्यवहार समाज से सीखते हैं? आपकी उन लड़कियों के बारे में क्या राय है जो कोमल एवं मृदु स्वभाव की नहीं होती और शरारती होती हैं, इसलिए वे दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेते हैं? हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोच समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। रूढ़ी बुद्धि धारणाएं बनाना। जब हम सभी लोग को एक ही छवि में बांध देते हैं, उनके बारे में पक्की धारणाएं बना लेते हैं, तो उसे रूढ़ी बुद्धि कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती हैं। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं। रूढ़ी बुद्धि धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसा काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। असमानता एवं भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़ी बुद्धि धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते और दूसरे द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पाठ में समीर एक और समीर दो एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। यह विविधता का एक पहलू है। यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। समीर दो गरीब विविधता का पहलू नहीं है, यह तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मामूली जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी जरूरतों का पूरा करने का साधन नहीं है, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातियों लोगों, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। भेदभाव का सामना करने पर अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बड़ाईगिरी करना, खेती में बुनाई इत्यादि। लेकिन कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व का माना जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उन्हें गंदा और अपवित्र माना जाता है।
यह जाति व्यवस्था का एक बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूह को एक ही तरह की सीढ़ी के रूप में देखा जाता है, जिसे एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे है। जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी से सबसे ऊपर रखा, उन्होंने अपनी अपने को ऊंची जाति का और उत्कृष्ट कहा। जिन समूहों को इस सीढ़ी के तले में रखा गया, उनको अछूत और अयोग्य कहा गया। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की इजाज़त नहीं थी। उदाहरण के लिए, कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाज़त थी। उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने, गांव के कुएं से पानी लेने और यहां तक कि मंदिरों में घुसने की इजाज़त नहीं थी। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था, उससे उन्होंने तथाकथित अछूतों को वंचित रखा। अगले प्रश्न पर हम यह देखेंगे कि कैसे भारत की एक मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ा। यह भाग हम यह समझने में मदद करेगा कि कैसे जातियों के तहत बहुत बड़ी संख्या में लोग भेदभाव के शिकार हुए। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनके 1901 में हुआ था। वे केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर हमने इंतजार किया, पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारी टिकट मांगी, जो हमने दिखा दी। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्या क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुँच पाया था और हमें पता था कि कोरेगांव कैसे पहुँचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे, हमारे कपड़े और बोली से कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। नीचे स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़ा परेशान हुए, जैसे कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुँह से निकल गया कि हम महार हैं। बम्बई प्रांत के महार समुदाय को अछूत माना जाता है। उनको एकदम से धक्का लगा, वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बाद बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए नहीं थे और ना ही उनका नौकर। अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उस जगह अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौटकर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरागांव जा सकते थे, और कोरागांव जल्दी ज़्यादा दूर नहीं है तो हम फौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी।